हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो करते हुए ना मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, और एक्साइटमेंट में अगर कुछ गलत बोल जाऊँ ना तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा। एडवांस मैं कह रहा हूँ, पहले से कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हो, मेरे पीछे है वेलकम कार जोन, और ये वेलकम कार जोन का कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मैं इनके पास आया हूँ, किस लिए आया हूँ? क्योंकि इनके पास बहुत प्यारी एक चीज़ है जो कि बहुत ही रेयरेस्ट हमें भारत पूरे भारतवर्ष में देखने के लिए मिलेगी। भाई वो क्या है, वो आपके आप मेरे पीछे देख रहे होगे भाई, ये गाड़ी है, देख रहे हो, मतलब कितनी बड़ी गाड़ी है कि कैमरे में भी इसे मुझे बहुत दूर से शूट करना पड़ रहा है भाई। तो मैं ये वीडियो आज का आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, तो मैं आपको बता दूँ भाई कि ये वीडियो आज की इसलिए है कि ये कार जो है रेडी फॉर सेल है भाई, मतलब अवेलेबल फॉर सेल है। अगर आप यूज्ड कार अगर आप लेना चाहते हो तो ये गाड़ी आपके लिए आपकी हो सकती है भाई। और इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं ना कि पूरे आपको बिजनेस क्लास जो कि हम ट्रैवल करते हैं ना, इसमें मिलेगा सेम फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। दोस्तों, सारी गाड़ी दिखाऊंगा आपको और उसकी प्राइसिंग भी बताऊंगा, डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहे वीडियो के साथ। और ये सीरीज़ यूज्ड कार की सीरीज़ में और लॉन्ग टर्म लेकर चलूँगा, और ऐसे ही और बहुत सारी गाड़ियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ आती रहे। दोस्तों, सामने है अपने फोर्ड की टूर नियो। भाई फोर्ड तो हमारे यहाँ से चला गया, भारत से चला गया है, मगर उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी यादें हैं जो हमारे साथ आज भी अवेलेबल हैं हमारे भारत में भाई। और ये सामने आप देख रहे हो, ये है टूर नियो भाई, फोर्ड टूर नियो, जो कि बहुत रेयरेस्ट गाड़ी है। और इस गाड़ी में इतना ज़्यादा स्पेस है और इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है ना, मतलब मैं खुद ही हैरान हूँ कि ऐसी गाड़ी हमारे भारत में भी थी मगर फिर भी हम लोग इस गाड़ी के बारे में जान नहीं पाए। और मैंने आज पहली बार खुद इस गाड़ी को देखा है। बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जिन्होंने आप में से भाइयों ने भी इस गाड़ी को पहली बार देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आपके इसके साथ पूरी डिटेल शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ भाई, गाड़ी है यूपी नंबर रजिस्टर्ड है। सबसे पहले तो आप देख रहे हो फ्रंट फेसिया, तो गाड़ी का फ्रंट फेसिया कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है भाई। मतलब बहुत ऊंची लंबी गाड़ी है, मेरा थोड़ा शूट करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि काफ़ी हाइट में गाड़ी है भाई ये। बाकी फ्रंट में आप देखते हो तो आप सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो तो आपको ये दो वाइपर हैं ये भी, जो कि कंपनी फिटेड ही हैं। और सामने एक बड़ा सा फोर्ड का लोगो भाई, इतना बड़ा फोर्ड का लोगो है। और बाकी ये इसकी ग्रिल देख रहे हो आप सामने, कितनी बड़ी इसकी ग्रिल है। मतलब आप कैमरे में थोड़ा जज नहीं कर सकते, मगर जब आप इस गाड़ी को प्रैक्टिकली आप देखोगे ना, आप थोड़ा खुद हैरान हो जाओगे भाई। और इस तरफ आप देखते हो तो कुछ इस तरह का इसका हेडलाइट आपको सेटअप मिल जाता है, जिसमें इंडिकेटर और ये पार्किंग लाइट वगैरह, और ये हेडलाइट का मेन सेटअप है भाई। तो भाई ये सामने से कुछ इसका ये सामने से इसके लुक्स है। और साइड से आप देखते हो ना, साइड से काफ़ी लंबी गाड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ी है। मतलब मुझे काफ़ी दूर जाकर इसे शूट करना पड़ रहा है इस गाड़ी को। तो साइड से आप देखते हो कुछ इस तरह से इसके लुक्स हैं। और बात करते हैं इसकी डिटेल्स की, तो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले आप देखते हो इसमें टायर सेटअप, तो 16 इंच का आपको इसमें टायर सेटअप मिल जाता है भाई, जो अलॉय व्हील्स आप देख रहे हो, ये भी फोर्ड के ओरिजिनल जेन्युइन अलॉय व्हील्स है भाई इसमें। और बाकी इसके सामने डोर देख रहे हो आप, काफ़ी लंबा डोर है भाई, ये देखो पूरा डोर है, फ्रंट से लेकर ऊपर तक सारा डोर है ये, और जिसमें आपको चढ़ने में उतरने में किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। ये देखो कुछ इस तरह के इसका लंबा चौड़ा डोर है इसका भाई। और ये साइड में दूसरा, आप ये जो रियर में देख रहे हो ना, मतलब ये ओपनेबल विंडोज़ नहीं है, सारी क्लोज विंडो हैं। और ये गाड़ी 100% एसी एयर कंडीशन है भाई। और इस तरफ आप देखते हो तो यहाँ पर आपको इसकी फ्यूल फिलर कैप मिल जाती है भाई, ये इस तरफ। और एक और बात भाई, ये डीजल गाड़ी है, ये डीजल में है, जो कि हमें आजकल डीजल गाड़ियाँ जैसे कि विलुप्त हो रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, डीजल अभी भी आपको मिल सकती है अगर आप यूज्ड में जाओगे तो। बाकी यहाँ से गाड़ी की कंडीशन देख रहे हो, कुछ इस तरह से गाड़ी की कंडीशन है, मतलब रस्टिंग वगैरह मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, कहीं से भी अभी तक इसे रस्टिंग नहीं है। ये देखो ये साइड व्यू, और रियर से आप देखते हो तो रियर से आप देखो कुछ इस तरह से गाड़ी के लुक्स आते हैं, ये इस तरह से। मतलब रियर में आपको देखो, रियर में आपको इसके डिफॉगर मिल जाते हैं, हाई माउंट स्टॉपलैम मिल जाता है, और वाइपर मिल जाता है भाई। वाइपर भी काफ़ी बड़ा वाइपर है, इतना बड़ा वाइपर तो हमारी अदर गाड़ियों में फ्रंट में होता है भाई, मगर चलो। और बाकी इसमें टूर नियो की बैजिंग यहाँ पर, ये भी एज इट इज़ अभी कंपनी फिटेड ही है। और ये इसका लोगो, जो कि 2007 वैन ऑफ द ईयर के ईयर का इसे अवार्ड मिल चुका है भाई। और ये कुछ इसके रियर के लुक्स है भाई। अदर साइड से आप देखते हो,
अदर साइड से आप देखते हो तो अदर साइड से भी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, और मतलब डबल साइड आपको इसमें डोर्स मिल जाते हैं भाई, दोनों साइड, इस साइड भी आपको डोर मिल जाएगा, उस साइड भी डोर मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको यहाँ से चढ़कर दिखा दूँ। सबसे पहले तो ड्राइवर साइड चलते हैं, तो ड्राइवर साइड में आप देखते हो तो कुछ इस तरह से इसका बड़ा सा डोर आपको मिल जाता है भाई, देखो फुल डोर है यार, मतलब ट्रकों में भी इतना बड़ा डोर नहीं होता जितना बड़ा डोर आपको गाड़ी में मिल रहा है यार। तो भाई सबसे पहले हम डोर की बात करें, डोर ये अगर आप देखते हो तो कुछ ऐसा आपको इसमें आर्म रेस्ट मिल जाता है ड्राइवर के लिए, और ये इसके पावर विंडोज, विंडो ओपन करने के लिए आपको इसका लॉक का लीवर मिल जाता है। और स्पेस देख रहे हो यार, कितना चौड़ा स्पेस है यार, आराम से आप इसमें अपना लैपटॉप भी रख सकते हो छोटा मोटा। और ये देखो दूसरा स्पेस, काफ़ी बड़ा स्पेस आपको इसमें मिल रहा है, मतलब बड़ी गाड़ी और बड़ा स्पेस मिल रहा है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल से ऊपर गाड़ी है। बाकी ये इस तरफ आप देख रहे हो, इसके कुछ कंट्रोल्स है सीट हाइट और आगे पीछे करने के लिए। बाकी स्टेयरिंग पे आप देखते हो, स्टेयरिंग पे बैठने के बाद आप देखते हो तो कुछ ऐसे आपको इसके लुक्स मिल जाते हैं भाई। ये देखो स्टेयरिंग पे, ये आपको स्टेयरिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं कुछ ऐसे, और ये कुछ इस तरह की इसकी कंडीशन है। थोड़ा सा ये आपको बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है मिसिंग मिलेगा, वो इट्स ओके, आप कोई भी आफ्टर मार्केट भी आप लगवा सकते हो भाई। ये देखो, और एयरबैग्स आपको इसमें दो एयरबैग्स मिल जाते हैं भाई, ये देखो सिंगल एयरबैग्स और दूसरा ये एयरबैग्स, जो कि अभी भी रनिंग कंडीशन में है, अभी भी आपको एज इट इज मिल रहे हैं। स्पेस देखते हो आप, कुछ ये स्पेस मिल जाता है, ये आपको इसका गियर का लीवर मिल जाता है यहाँ पर, और ये कुछ ऐसा आपको इसमें भी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। और भाई एक बात बहुत प्रैक्टिकल है, देखो ये देखो बीच में बिल्कुल खाली स्पेस है, खाली स्पेस होने की वजह से ना मतलब आप बड़े आराम से इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो ना, ये देखो इसमें आपको एक टेलीफोनिक बूथ, टेलीफोन भी मिल जाता है। टेलीफोन किस लिए मिल जाता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ भाई। अब ये देखो इस तरफ आपको आगे ना तीन लोगों की सीटिंग मिल जाती है कंपनी से अप्रूव। और आपको मैं एक चीज़ अपडेट कर दूँ इससे पहले कि ये 8 सीटर गाड़ी है भाई, 8 सीटर। अब आप बोलोगे इतनी सी बड़ी गाड़ी और सिर्फ 8 ही लोग, तो चलिए अब आपको आगे की गेम दिखाता हूँ इसमें क्या क्या हमें और मिल रहा है। तो भाई इधर से आप देखते हो ना ये डोर, तो जब आप ये डोर खोलते हो ना तो ये देखो ये कुछ ऐसे, वाह, मतलब डोर्स भी ना आप देख रहे हो, एक बड़ा सा डोर आपके सामने खुल जाता है। तो भाई अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर दिखाऊँ आपको तो काफ़ी ज़बरदस्त इंटीरियर आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। सबसे पहले तो आप इसकी सीट देख रहे हो, सीट आपको कुछ ऐसी आपको मिल जाती है भाई, और ये आपको एंट्रेंस के लिए जगह मिल जाती है। जब आप इसमें एंटर कर जाते हो तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस सीट को ऐसे उठाकर आप इसे इस तरफ भी कर सकते हो, तो इस सीट को आप इस तरफ करके आप अपनी जो स्पेस को एंजॉय कर सकते हो, और आपके पास एक बहुत बढ़िया एंजॉय, एक बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाता है। और एक और चीज़ दिखाऊं भाई, जब आप इसमें अंदर बैठ जाते हो ना, अंदर बैठने के बाद इस सीट के साथ ही आपको यहाँ पर एक ट्रे भी मिल जाती है, जो कि हिडन ट्रे है भाई, मतलब आप इसे अंदर भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो। और एक और बात मैं आपको इसमें अपडेट कर दूँ, आपको इसकी सीट्स दिखा दूँ। सबसे पहले तो आप इसकी सीट्स देख रहे हो, कुछ ऐसी आपको इसमें ये दोनों सीट्स मिल जाती हैं भाई, ये देखो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये देखो ये बटन लगे हैं, ये पाजी हमारे हेल्प कर रहे हैं, ये देखो ये ऑटोमेटिकली ये सीट्स जो हैं अप आ रही हैं भाई, सीट्स अप और डाउन का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है भाई, मतलब आप जितनी मर्जी लंबे जर्नी करो आपको इसके साथ कंफर्ट वाइज कोई भी इशू नहीं आने वाला है भाई। ये देखो, और ये सेम ये वाली सीट भी आपको इसी कम्फर्ट के साथ आ जाती है। और बाकी बात करते हैं इसमें LEDs की, आप रियर में देख रहे हो आपको 2 LEDs मिल जाती है, एक तो ये LED है और ये 2 स्पीकर्स हैं, बाकी दूसरी LED इस तरफ लगी हुई है। ये देखो दूसरी LED इधर है, और ये दोनों आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं इस तरफ, और स्पीकर भी आपको सोनी के मिलते हैं जो कि कंपनी फिटेड ही है भाई इसमें। बाकी मैं इसके बारे में थोड़ा श्योर भी नहीं हूँ कि हो सकता है ये आफ्टर मार्केट लगाओ, मगर ऑलमोस्ट इसमें जो भी चीज़ें हैं कंपनी फिटेड लगी हुई है भाई। और इंटीरियर आप देख रहे हो, ये देखो भाई इंटीरियर देखो किस तरह का जबरदस्त लेवल का इंटीरियर है यार, मतलब कमाल यार, वाह रियली यार, मतलब आप इसके साथ अगर आप इसे सेकंड हैंड भी अगर आप इसे परचेज करते हो ना, तो कहीं पर भी आप इसे निराश हो नहीं होने वाले। निराश क्यों नहीं होगे, क्योंकि इसका इंटीरियर और इतना ज़बरदस्त लेवल का है ना कि एक, और इतने अच्छे फीचर्स हैं ना कि आप ज़िंदगी भर इसे रखना चाहोगे। तो भाई साहब मैं बैठ चुका हूँ इस गाड़ी के अंदर, और यार भाई मतलब क्या लेवल का, हाई लेवल का कम्फर्ट मिल रहा है ना इस गाड़ी के साथ, मैं वाकई में हैरान हूँ यार। और मैं सबसे पहली बात तो मैं आपके साथ ये ब्लॉग इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये गाड़ी आप लोगों में से भी बहुत सारे भाइयों ने आज पहली बार देखी होगी, मगर मैंने खुद इस गाड़ी को आज पहली बार देखा, तो मुझे लगता है ये गाड़ी आप लोगों को भी जरूर देखनी चाहिए, मतलब जाति बाहर के मजे जो है आप भी लूट लो दोस्तों, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी हाँ ये गाड़ी आपकी जरूर हो सकती है अगर आप इसे यूज गाड़ी के तौर पर इसे परचेज करना चाहते हो दोस्तों, मतलब बहुत अच्छी प्राइसिंग के साथ आपको मिल जाती है, और इसमें
कोई भी इशू नहीं आएगा, आप जिस मर्जी स्टेट से हो, ये भले ही ये यूपी रजिस्टर्ड है मगर आपके नाम पर ये ट्रांसफर बड़े आराम से हो जाती है भाई। अभी ऐसा कुछ भी इशू नहीं आते हैं जैसा आज की डेट में माहौल चल रहे हैं भाई। तो भाई अगर गाड़ी की दिखाऊं तो आप गाड़ी देख रहे हो ना आसपास, बिल्कुल नॉइस फ्री कैबिन है भाई, मुझे बहुत प्यारा कम्फर्ट मिल रहा है इस गाड़ी के साथ यार, वाह रियली यार। तो बाकी बात करते हैं इसके अदर स्पेस की, अदर डिटेल्स की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर मैं अकेला ही बैठा हूँ और ये देखो ये इस तरफ से बंद होकर आपको चारों तरफ से बंद हो जाती है, तो ऐसा कुछ कंफर्ट मिल जाता है भाई। ये देखो ये स्पेस भी आपको इसमें कुछ मिल रहा है इस तरह का, ये देखो जैसे आप ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और इसे बंद कर देते हो मैग्नेटिक डोर है ये जो कि बंद हो जाता है भाई। और ये रिमोट्स देख रहे हो भाई, इतने ज़्यादा रिमोट्स हैं कि इससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या फंक्शंस मिल रहे हैं भाई, मतलब ये देखो। और इस तरफ भी आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके, ये देखो कुछ ऐसे आपको कंट्रोल्स जो है इस तरह भी मिल जाते हैं। थोड़ा लाइटिंग का इशू आ रहा होगा, प्लीज़ आप मैनेज कर लेना, कुछ ऐसे आपको इसमें भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और भाई ये देखो ये जो इसके सनशेड्स आप देख रहे हो ना, ये भी कंपनी फिटेड ही आपको मिलते हैं भाई। ये देखो ये हर एक विंडो के ऊपर आपको ये मिल जाता है भाई, ये देखो। और ये इसकी LED है और ये इसकी सीट्स हैं, हर एक सीट के साथ आपको सीट बेल्ट भी अलग से डिफरेंट से मिल जाती है भाई। तो चलिए अब आपको मैं इसका इंजन भी दिखाता हूँ और इंजन दिखाता हूँ। तो भाई अगर इस गाड़ी को ओपन करना हो ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा था, मेरे लिए भी थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा था। तो ये देखो ये कुछ इसका लीवर है, इसे आप ऐसे दबाकर आप इसे बाहर आ सकते हैं। तो भाई ये थी अभी तक का इस गाड़ी का इंटीरियर। अब मैं आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाऊंगा, एक्सटीरियर मतलब आपको इंजन वे दिखाता हूँ भाई। चलिए आप दिखाते मतलब अब, और मेरी एक बात आपने नोटिस करी कि इस गाड़ी के साथ जब मैं बाहर आ रहा हूँ ना तो मेरा आने का जो स्टाइल था थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा लेवल का मुझे कंफर्टेबल लगा भाई, मतलब मुझे कहीं पर भी झुकना नहीं पड़ा है। बाकी ये मेरे पीछे आप गाड़ी, अभी मैं आपको इसका इंजन वे दिखाता हूँ। तो भाई सामने है अपने टूर नियो का मतलब इंजन वे, और इंजन वे की अगर मैं बात करूँ तो आपको स्पेस वाइज तो आपको देखने में बहुत ही कम लग रहा होगा, मगर इसके अंदर ही आपको मिल जाता है भाई फोर्ड का 2300 CC का डीजल इंजन, जो कि बहुत तगड़ी पावरफुल गाड़ी हमें देता है भाई, और बहुत तगड़े हमें पावर फीचर्स भी देता है। तो भाई इस कंडीशन में आपको इसका इंजन वे मिल जाता है कुछ ऐसा, आपको मतलब सेटिस्फाइड है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू आने वाला है इस इंजन के साथ। आपको डीजल इंजन वैसे भी लॉन्ग रनिंग होते हैं, ये आपको देख रहे हो, कहीं से भी आप देख लो कहीं से भी ऑयल की लीकेज नहीं है भाई। ये देखो कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं है, मतलब इंजन की थोड़ी यही निशानी रहती है कि ऑयल लीकेज ना हो और कहीं से भी उसमें हवा वगैरह लीकेज ना हो। तो कुछ ऐसे ही आपको मिल जाए, डस्ट मिल जाती है, वो आप इसे क्लीन कर सकते हो भाई। बाकी आप इसे अगर परचेज करना चाहते हो तो ये सामने आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना आपको, इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई। बाकी मैं आपको इनका एड्रेस जो है फुल शेयर कर दूंगा, और जब भी आप इसे खरीदने आओगे तो आपके साथ ये पाजी मिल जाएंगे, आप पाजी के साथ जब भी आओ डील करो और अपने यहाँ से लेके जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी अपने साथ फोर्ड की टूर नियो, जो कि यूज्ड व्हीकल है और आपके लिए अवेलेबल है फोर सेल। और लास्ट में अब इसकी बात करता हूँ इसके सेलिंग प्राइस की, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आस्किंग प्राइस जो इसका डीलर भाई जो कह रहे हैं ना, वो आपको 10-10.5 लाख के आसपास मिल जाएगा, अप्रॉक्स इतना मिल जाएगा। बाकी ये नेगोशिएबल है भाई, ये कम और ज़्यादा भी, कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा कम ही होगा, मतलब आप इसे बनाना चाहो तो इससे कम भी प्राइस में आपको मिल सकती है भाई। बाकी 2008 मॉडल गाड़ी है ये, पासिंग भी इसकी हो जाएगी, मतलब ये डील बुरी नहीं लगी। अगर आप इसे लेकर बहुत ही कंफर्टेबल राइड भी चाहते हो ना तो भी मुझे ये काफ़ी कंफर्ट लगी हुई है। तो भाई ये थी हमारी आज की गाड़ी, सबसे पहली गाड़ी जो कि मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था आपके साथ। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो और गाड़ी दोनों ही आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको गाड़ी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। कोई भी क्वारी हो, कोई भी डिटेल आपने इस गाड़ी के बारे में लेनी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर दे दूँगा और इनका एड्रेस भी आपको मैंशन कर दूँगा भाई, आप इनसे ले सकते हो। बाकी ऐसे ही और कार से रिलेटेड वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि रेडी फॉर सेल या फिर अवेलेबल फॉर सेल होंगी भाई, मतलब यूज्ड कार्स होंगी आपके लिए अवेलेबल होंगी भाई, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।